तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से एक अपने फ़ोन में यानी कि FL Studio मोबाइल में करने वाला हूँ एक गाना को DJ रिमिक्स, और जो कि कर रखा हूँ मैं फुल सॉन्ग है, वो ओल्ड सॉन्ग है। और मैं ऐसे तरीका आपको बताऊँगा जो कोई सा भी सॉन्ग को आप रिमिक्स कर सकते हो बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन से। वो सॉन्ग मैं रिमिक्स कर रखा हूँ, बट आपको FLP प्रोजेक्ट भी मैं देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को पहले एंड तक तो देख लो भाई क्या चीज़ सिखाना है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ फोन से गाना कैसे रिमिक्स करना है, और मैं कर रखा हूँ किस प्रकार से आपको करना है। और भाई अभी तक आप YT वाले ज्ञान चैनल पे नहीं गए तो भाई जाओ, यहाँ पे देखो भाई कितना सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। और भाई आपको DJ चैनल मोनेटाइज करवाना है तो भाई इस वाले चैनल पे जाओ और वीडियोज को वॉच करो मेरे। भाई मैं तरीका बता रखा हूँ कैसे DJ चैनल मोनेटाइज होता है, एंड लाइव प्रूफ भी मैं दिखा रखा हूँ। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो YT वाला ज्ञान, सबसे ऊपर में मेरा ही चैनल आपको दिएगा, ज्वाइन कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फाइनली अपने FL Studio मोबाइल के अंदर आ चुका हूँ, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे FL Studio मोबाइल के अंदर ओपन कर लिया हूँ। और यहाँ पे जो आप चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो पहला एक सॉन्ग है और दूसरा भी एक सॉन्ग है। अब मैं इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो एक गाना है आप प्यार करें बिंदास, जो कि हिंदी सॉन्ग है। ये गाना जो है ना, ये पहले से ही रिमिक्स हो रखा है DJ रिमिक्स, वो मैंने इसे डाउनलोड किया। और ये कितना 138 MB का था। और फिर मैंने क्या किया, मैंने भी यूट्यूब से एक तो DJ रिमिक्स वाला डाउनलोड कर लिया, और एक यूट्यूब से प्लेन डाउनलोड कर लिया जिस पे रिमिक्सिंग नहीं हो रखा था, वो प्लेन था। ओके, तो दोनों का मैंने BPM चेक किया, तो जो रिमिक्स नहीं हो रखा उसका BPM 136 था, और जो रिमिक्स हो रखा है उसका BPM 138 था। तो मैंने फाइनली क्रॉस DJ प्रो में जाके और भाई इसका BPM मैंने चेंज किया 136 से 138 किया सिंपल वाले सॉन्ग का, और यहाँ पे देख सो 138 करके, और दोनों का बीट मैच करवाया सेम, मतलब एक साथ दोनों को गाना को प्ले किया। देख सकते हो दोनों एक साथ प्ले होता है, और इससे हमें पता चलता है कि भाई बीट कहाँ है। यानी कि देखो बीट पकड़ने का मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। यहाँ से देखो बीट स्टार्ट हुआ इस सॉन्ग में भी और इस सॉन्ग में भी, दोनों में। इसी के हिसाब से मैंने ये पूरा सॉन्ग रिमिक्स कर रखा हूँ, देख सकते हो। पूरा लास्ट तक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ तक जो है ना पूरा सॉन्ग को मैं रिमिक्स कर रखा हूँ। नीचे भी आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ, देखो कुछ इतना मैंने यूज किया है सैंपल, तो बहुत ही आसान आसान सैंपल यूज किया, जो कि मैं आपको FLP प्रोजेक्ट दे दूंगा नीचे, डाउनलोड कर लेना। और अपने FL Studio मोबाइल में जैसे ओपन करोगे, ये सब सारा मेरा जो फ़ोन में अभी दिख रहा है ना FL Studio मोबाइल में, वही खुल के आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत सुना देता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा सुनूंगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, पता ही। कॉपीराइट क्लेम आएगा तो भाई मुझे भी अर्निंग नहीं होगा वीडियो से। चलिए मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ अपना ये वाला सॉन्ग को बंद, पहले मैं यही सॉन्ग को सुना देता हूँ जो ऊपर में रिमिक्स वाला है। चलो मैं उसे ही पहले सुना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने सारा चीज़ सारा वॉल्यूम यहाँ से बंद कर दिया अपने वाले का, और जो रिमिक्स रिमिक्सिंग वाला उसे ऑन करके मैं सुना देता हूँ। देखो जो कुछ इस प्रकार से है, तो ये कुछ इस प्रकार से रिमिक्स में रखा है, तो ये कुछ इस प्रकार से मैं इसे करता हूँ बंद, एंड अपना वाला चालू करता हूँ जो हमने जो मिक्सिंग करा वो मैं चालू करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए सारा चीज़ मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं सुना देता हूँ। बाकी जो भी इफेक्ट लगा है इस सॉन्ग के बैकग्राउंड म्यूजिक रिमूव करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, वो आपको दिख ही जाएगा FLP प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर मैं करता हूँ प्ले, देखो मैंने देखो सेम उसी के तरीका से ही मैंने जो अपना वो जो वोकल पैक लगाया था उसी तरीके से मैं अपना भी वोकल पैक लगाऊँ एंड रिमिक्स किया हूँ। देखो कितना मस्त बनाए। पर आप भी ऐसा करोगे ना, जो डाउनलोड हो रखा है मतलब रिमिक्स हो रखा है उसी को लेके अगर आप करोगे ना, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, मिक्सिंग भी आसानी से सीख जाओगे। तो देखो प्ले करता हूँ, यहाँ से मैं आगे ले चलता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे अपना नाम लगा रखा, देखो देख सकते हो कितना मस्त। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे कर दूँ, अभी आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं सुना देगा। बाकी आप FLP प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके और हेडफोन लगा के अगर आप सुनोगे तो गजब का यहाँ पे बेस है, और यहाँ पे अगर साउंड बॉक्स में बजाओगे तो भाई काफ़ी बेस यहाँ पे लगेगा। तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिक्सिंग हो रखा है, और जो है ना काफ़ी सारे यहाँ पे देखो मैंने सैंपल वगैरह सब कुछ नहीं लगाया। बाकी देखो यहाँ पे
यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सैंपल है, कॉपी पेस्ट कर रखो, बाकी कुछ नहीं कर रखो भाई। यहाँ पे पूरा आसान गाना रिमिक्सिंग हो गया है, कुछ भी नहीं कर रखो, देख सकते हो। तो आई होप यहाँ पे देखो, सबसे पहले लास्ट में भी आपको दिखा देता हूँ कुछ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया जो कि मेरे हाथ से हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हो इसको हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के लिए सिर्फ ऐसे करो, हट जाएगा इसको ऐसे, सॉरी। तो ये हट गया यहाँ पे, आप देखो। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार कर रखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो। अभी इसमें आप वोकल पैक लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ लगा। मैंने अभी ऐसे ही डाउनलोड करके एंड FLP दे दिया। बट अभी जो है ना, नेक्स्ट सॉन्ग रिमिक्स करने वाला हूँ, जो कि सरस्वती पूजा सॉन्ग है हिंदी का, वो भी मैं रिमिक्स करने वाला हूँ, FLP प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। तो वेट करना, एक से दो दिन में वीडियो आ जाएगा, तब तक के लिए YT वाले ज्ञान पे जाओ। तो आई होप कि मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, एंड आप लोग FLP प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें।